दोस्तों अब हमने देख लिया है फिल्म साहो का भी टीजर और रोबोट 2.0 का भी टीजर। इन दोनों ही टीजर को देखने के बाद तो दोस्तों पूरे तरीके से ये पता लगता है कि बॉलीवुड में अब स्टारडम एक नाम नहीं रह गया है बल्कि कंटेंट और शानदार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है जो स्टारडम पर चलते हुए एक्टर्स के लिए काफी भारी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार, रजनीकांत और एक तरफ हैं प्रभास और श्रद्धा कपूर, ये जोड़ियां बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेगी और इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है बॉलीवुड के सुपरस्टार्स यानी के खान्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बॉलीवुड में सबसे बड़े स्टार पावर रखने वाले शाहरुख, सलमान और आमिर जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज किया करती थी, लेकिन अब समय बिल्कुल बदल चुका है। जहां पर इस साल सलमान की रेस 3 टॉप फिल्मों में जगह भी नहीं बना पाई, वहीं शाहरुख खान की अब तक कोई भी फिल्म इस साल रिलीज नहीं हुई है और शाहरुख की पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सही चली भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों साहो और 2.0 जैसी फिल्में देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी अब खान्स पावर को काफी ज्यादा झटका लगने वाला है। बात करें अगर आमिर खान की, तो आमिर खान तो साल दो साल में एकमात्र ही फिल्म लाती है जो कि काफी बड़ी हिट भी साबित होती है, लेकिन साल दो साल में एक फिल्म बॉक्स ऑफिस को चलाने के लिए ना काफी है। ऐसे में दोस्तों जो चल रहा है बॉलीवुड में आजकल, नए स्टार्स ही चल रहे हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हो या फिर टाइगर श्रॉफ। और अब बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार को तो सब जानते ही हैं। बॉलीवुड को चलाने में अक्षय कुमार का सबसे बड़ा हाथ है, जो साल में 3 से 4 हिट फिल्में देकर जाते हैं और उनका हिट परसेंटेज कई सालों में सबसे ज्यादा भी रहा है और सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टर्स की सूची में उनका नाम भी सबसे आगे आता है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों खान को अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव तो करना ही होगा। खैर सलमान खान की फिल्में कलेक्शन तो कर ही जाती है, लेकिन शाहरुख खान और आमिर खान को अपनी फिल्मों में कुछ ज्यादा ही करना होगा। जहाँ शाहरुख को कंटेंट और अच्छी फिल्म पर ध्यान देना होगा, वहीं आमिर खान को कई सारी फिल्में साल में रिलीज करनी होगी, नहीं तो बॉलीवुड में इनका स्टार पावर कब खत्म हो जाए किसी को अंदाजा भी नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, खान पावर अब प्रभास, अक्षय, टाइगर और रणवीर सिंह जैसे एक्टर आने के बाद चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और सब्सक्राइब करें देखो देखो बॉलीवुड की और भी अपडेट जानने के लिए।